मैंने गांव गांव जाकर खुद सभी लोगों से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का आग्रह किया था और परिणाम ये हुआ है कि आज गुजरात में करीब करीब हर बेटा बेटी स्कूल पहुंचने लगा है, स्कूल के बाद अब कॉलेज जाने लगा है। साथियों, इसके साथ ही हमने शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सबसे ज्यादा बल दिया, आउटकम्स पर बल दिया। इसलिए हमने प्रवेशोत्सव के साथ साथ गुणोत्सव की शुरुआत की थी, क्वालिटी एजुकेशन। मुझे अच्छी तरह याद है कि गुणोत्सव में हर एक विद्यार्थी का, उसकी क्षमताओं का, उसकी रुचि का, उसकी अरुचि का विस्तार से आकलन किया जाता था, साथ साथ शिक्षकों का भी आकलन होता था। इस बहुत बड़े अभियान में स्कूली व्यवस्था के साथ साथ हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे अधिकारी, इवन पुलिस के अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी, वे भी 3 दिन के लिए गांव गांव स्कूलों में जाते थे, हिस्सा बन जाते थे अभियान का। और मुझे बहुत खुशी है कि कुछ दिन पहले जब मैं गांधीनगर आया था तो उस गुणोत्सव का एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्जन विद्या समीक्षा केंद्र के रूप में मुझे देखने को मिला। विद्या समीक्षा केंद्रों की आधुनिकता देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। और हमारी भारत सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यहां गांधीनगर बुलाया था और सबके सब ये विद्या समीक्षा केंद्र को घंटों तक उसका अध्ययन करने में लगे थे। और बाद में भी राज्यों से डेलीगेशन आते हैं और विद्या समीक्षा केंद्र का अध्ययन करके उस मॉडल को अपने राज्य में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात इसके लिए भी अभिनंदन का अधिकारी है। राज्य की पूरी स्कूली शिक्षा के पल पल की जानकारी लेने के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई है, एक अभिनव प्रयोग किया गया है। गुजरात के हजारों स्कूलों, लाखों शिक्षकों और करीब 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स की यहां से समीक्षा की जाती है, उनको फीडबैक दिया जाता है। जो डेटा आता है उसका बिग डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो वॉल और ऐसी तकनीक से विश्लेषण किया जाता है। उसके आधार पर बच्चों को बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक सुझाव दिए जाते हैं। साथियों, गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ही कुछ नया, कुछ यूनिक और बड़े प्रयोग करना ये गुजरात के डीएनए में है, स्वभाव में है। गुजरात में पहली बार टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन की स्थापना हमने की थी। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, दुनिया में एकमात्र यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, उसके माध्यम से प्री स्कूल एजुकेशन को साइंटिफिक तरीके से डेवलप करना, युगानुकूल बनाना, समयानुकूल बनाना, बदलते हुए युग के अनुसार बालकों को बचपन से ही वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, उसके लिए भी अनेक नूतन प्रयास हुए। बच्चे खेलकूद खेलकूद की तरफ बढ़े, फिटनेस पर फोकस करें, इसके लिए देश में पहली बार खेल महाकुंभ जैसा आयोजन भी गुजरात ने ही शुरू किया था।